फेज वन की टीम जिसमें एसीपी 1-2 और एसटीएफ की नोएडा यूनिट जिसमें एडिशनल एसपी राजकुमार मिश्रा जी और बाकी उनके इंस्पेक्टर साहिबान के जो है वो उस पर एक गैंग हम लोगों ने जो है बस्ट किया है, जिसमें आज 8 लोग पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। और ये गैंग बेसिकली जो है एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में फ्रॉड करता था। एक एफआईआर हम लोगों ने लिखी थी अभी कुछ दिन पहले, जिसमें एचडीएफसी बैंक ने ये हमें कंप्लेन की थी कि हमारे यहाँ पर जो है कुछ फर्जी कंपनियाँ रजिस्टर्ड करा करके और लोन करा करके और बैंक को जो है नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उसी क्रम में जो है वो हमारी जो एसटीएफ की यूनिट थी और जो हमारे फेज़ वन की टीम थी, इन्होंने काम किया और काम के आधार पे 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मॉडस ऑपरेंडी इनका ये था कि इसमें ये फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और फर्जी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। पहला डॉक्यूमेंट जो है वो फेक बनता था, लोगों को लालच दे करके उनके बायोमेट्रिक्स निकलवाते थे, उसमें मोबाइल नंबर्स अपने डलवाते थे और उसके बाद जो है उसमें लोन लेते थे डिफरेंट बैंक से, जिसमें आईसीआई बैंक है आपका जो है वो, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, कंपनी रजिस्टर्ड करा करके। और ये कंपनियां भी फर्जी होती थी, इनको एग्जिस्ट इनके जो एम्प्लॉयज़ होते थे वो कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, खाली जो डायरेक्टर्स और जो ये 8 लोग पकड़े गए हैं यही लोग उसको जो है डिफरेंट नेम्स में नाम बदल करके जो है वो रजिस्टर्ड कराते थे। इसके बाद जो है वो बहुत सारी बैंकों से लोन लेते थे और लोन ले करके उस लोन के पैसे को एज अ सैलरी दिखा करके, जो इनके एम्प्लॉयज़ थे उसकी सैलरी दिखाई जाती थी कि अमुक एम्प्लॉई को जो है इतना सैलरी दिया गया, और वो रोटेट भी करते थे, उसका बकायदा पीएफ वगैरह भी कटवाते थे। और उसके कुछ दिन बाद जब बैंक की वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाती थी तो उस सैलरी के पैसे को ये लोग गबन कर जाते थे। तो इस तरह से इन्होंने लगभग 13 कंपनियाँ बनाई हैं जो अभी तक हमारे रिकॉर्ड में आई हैं, और लगभग 23 करोड़ रुपये के आसपास डिफरेंट बैंक्स का जो है फ्रॉड इन्होंने किया है। इसके साथ ही साथ इनके कब्जे से भारी मात्रा में 500 से ज़्यादा चेकबुक्स हमें मिली हैं, आधार कार्ड्स मिले हैं, डीएल मिले हैं, बहुत सारे बैंक्स के पासबुक्स मिले हैं, लगभग 250 से 300 के आसपास जो है हमें मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, और 8 लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं। अभी इसमें 4 लोग एब्सकॉन्डिंग हैं, उनकी भी पुलिस जल्दी गिरफ्तारी करेगी। और ये बहुत बड़े पैमाने पर जो है एक सिस्टमेटिक फ्रॉड हो रहा था, जिसमें कि जो है वो बैंकों को चूना लगाया जा रहा था, उनका जो है वो लोनिंग सिस्टम में जो है ये अपने आप को एडजस्ट करके और उनसे पैसा ले करके फर्जी एम्प्लॉई बना करके और उनके बैंकों के पैसे को जो ये लोग हड़प ले रहे थे। तो इसमें आधार कार्ड सेंटर्स वाले भी कुछ मिले हैं जो इस तरह के जो है वो आधार क्रिएट करते थे, एक बिजनौर का भी है, उसको हमने वांछित किया है, उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही साथ आरओसी से जो फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड करता था, एक ये कपूर सिंह दहिया हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं, ये भी वांछित किए गए हैं। तो इस कुल मिलाकर के एक बहुत बड़े पैमाने पर फ्रॉड हो रहा था, और इसमें जो है वो लगभग 80 लाख रुपए के आसपास हमने फ्रीज कराया है, 1 लाख रुपए के आसपास हमने जो है रिकवर भी किया है। कई जो है 4 पहिया गाड़ियां जिसमें लोनिंग के आधार पे वो गाड़ियां ली गई हैं, 2 पहिया गाड़ियां जो है वो इनके कब्जे से बरामद हुई हैं। इनकी ट्रेल सिर्फ जांच का विषय है, अभी तक हमें जो है वो यूपी के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में इनकी ट्रेल मिली है, जिसमें बिजनौर भी है, जिसमें नोएडा भी है और जिसमें गाज़ियाबाद भी है। बाकी जो है वो हम बैंक से डिटेल ले रहे हैं, आरओसी से इनके सारी कंपनीज़ का रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स मंगवाई जा रही है, और एक एक अकाउंट्स को जो है वो थोरली चेक किया जाएगा।